सेठी नगर में इस बार जो झांकी बना गई है पर्यावरण बचाव के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसके अंतर्गत हमें जो प्रकृति की देन के द्वारा जो चीज़ें मिली है, जैसे नदी है, पहाड़ है, जंगल है, वन है, पशु पक्षी जैसे आप ये जो देख रहे हैं, जिनको आज की तारीख में दोहन हो रहा है, कहीं हम झाड़ लगातार काटे जा रहे हैं, कहीं नदियों को ख़राब किया जा रहा है, कहीं जंगली जानवरों को अवैध रूप से काटा जा रहा है, कुल मिला के जो प्रकृति की जो सुंदरता थी वो खत्म होते जा रही है, उसी से पीड़ित होकर गोल्डन ग्रुप के सभी कार्यकर्ता सदस्यों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम इस बार गणेश जी के थ्रू हम एक जनता को मैसेज दें कि अगर हम जिस जंगल में जाते हैं तो जंगल में अगर जंगल जानवर नहीं होंगे, या जंगल हम जाते हैं वहाँ पर पेड़ नहीं होंगे, या नदी के किनारे जाएंगे वहाँ स्वच्छ अगर पानी नहीं होगा तो ना हमें सुख की अनुभूति होगी, ना उनसे हमें जो फायदे मिलते हैं ना वो मिलेंगे, तो उसको हमें बचाना है, और जो पर्यावरण की सुरक्षा भी इससे होगी, सुंदरता भी बढ़ेगी और लोगों को एक सुखद एहसास भी होगा। इस बार जो झांकी का प्रवेश द्वार बनाया गया कुछ अलग बनाया गया, क्या बनाया आपने? झांकी का प्रवेश द्वार पे हमने शेर का मुंह बनाया है, ये बच्चों के आकर्षण के हिसाब से भी बनाया गया है, और जनरली आप कहीं जंगल में या जू में जाते हैं तो आपको ऐसे कुछ शेर अजगर या इनके मुंह दिखते हैं, तो उसी उद्देश्य से हमने बनाया, तो बच्चों को बहुत ही पसंद आ रहा है, और उसी के थ्रू आप जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, गुफा के अंदर, गुफा के बाद जंगल आता है, जंगल के बाद में हमने वनेश्वर महादेव बनाया, महानेश्वर के दर्शन होते हैं, उसके बाद हमने एक झरना बनाया है, उसके बाद हमने एक नदी भी बताई गई है, वो सबको बता के यही दिखाया कि आपको इतनी सी झांकी में यहाँ के जो सुख का एहसास हो रहा है, और जो रियल में हमको प्रकृति देने के लिए अगर इनको हम सहज लेंगे तो इससे ज़्यादा हमको सुख का अनुभव होगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। प्रतिमा काहे के रूप में बिठाई गई और कितने फीट की प्रतिमा है, कितने साल से बिठा रहे हैं आप? प्रतिमा हम लोग 26 साल से बिठा रहे हैं, और प्रतिमा हमने हरे रंग की बिठाई है, प्रतिमा भी यही मैसेज जनता को दिए जा रही है कि आपको प्रकृति को बचाना है, उनको गणेश जी की प्रतिमा हरे रंग की तो है ही, उनको भी हमने प्रकृति की गोद में बिठाया, पहाड़ पर गणेश जी बैठे हुए। नितेश कपूर, संयोजक, गोल्डन ग्रुप।